उन्नाव में जो एक महिला का ड्रग्स सीजन कर दिया गया था 2016 में, इसके साथ बलात्कार होता है, एक विधायक माननीय विधायक जी हमारे उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है, उसके पिताजी को पुलिस ने थाने में पीट पीट के मार दिया। जब वो और आगे गई तो उसके चाचा के ऊपर निराधार केस लगा के आज भी वो बंद हैं। उसने 40 लेटर चीफ सेक्रेटरी जी को लिखे कि हमारे जो कानून, जो हमारे हमको जान का खतरा है, हमको जिंदा रहना नहीं दिया जाएगा, आने वाले 27 तारीख को उसका ट्रक से एक्सीजन कर दिया जाता है। हम कौन सी, हम अपने बच्चों का भविष्य किनके हाथों में दिया हुआ है, हम कौन सी भारत की कल्पना कर रहे हैं? जो हमारे साथ अगर कोई अन्याय हो, हम शिकायत करने जाए तो हमारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा, हम कौन से भारत की कल्पना कर रहे हैं? वहीं देखिए सोनभद्र में, देखिए 30-33 ट्रैक्टर भर के लोग आ रहे हैं कब्जा करने के लिए, 33, और काट रहे हैं लोगों को, काट रहे हैं, काट जब उनके फरसे का धार ख़त्म हो जा रहा है दोबारा से धार लगा रहे हैं। हम कौन से भारत में जीने आ गए हैं? ये बहुत, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पार्टी और मतलब हम तो उसी ज़माने में पहुंच गए, लगता 47 से पहले हम पहुंच गए कि जो दबंग है जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी, हम उसी दौर में पहुंच गए। अब क्या मांग करना चाहते हैं? अब ये है कि उस न्याय पीड़िता को, एक हमारे अरविंद मलिक जी बताएंगे आपको आगे के बाद, बताइए। हम लोग आम आदमी पार्टी से हैं और हमारे प्रदेश के जो प्रभारी जी हैं श्री राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी, उनके दिशा निर्देश पर आज पूरी यूपी के अंदर उन्नाव कांड को लेकर हम लोग प्रत्येक ज़िले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि यहाँ से सारे मुकदमे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, इलाज दिल्ली में हो। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था उसकी सही नहीं हो सकती। तो हमारी ये मांग है, एक तो योगी जी इस्तीफा दें, दूसरी बात उन्नाव के जो आरोपी हैं उनके जो सहयोगी हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में काफ़ी लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसका इलाज जो है इस तरीके से कराया जाए, वहाँ डॉक्टरों के पैनल पे भी एक निगाह रखी जाए ताकि उनको दबाव बना के किसी तरीके से उनसे कोई गलत काम ना करवाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। क्या हो गया? ये हो गया तो ये पुलिस गई थी घर पे, तो ऐसे में लो इन्होंने सबसे पहले हमारे भाई के लिए पकड़ा, पकड़ने के बाद जो इन्हें मारपीट करने के बाद जो उसका पैर तोड़ के ये भगा छोड़े आए, उसके पीछे से मैं गया, मैंने कहा क्या बात हो गई, एकदम चाबी लगाई गाड़ी में और स्टार्ट कर चल दी, बोले बहन के लौड़े तुम्हें पता नहीं है क्या क्या कर रहे। फिर उसके बाद जो ऐसे समझ लो उससे एक दिन पहले गई थी पुलिस, तो इसके घर में बीवी है, उसके बच्चे होने को था, तो वो बच्चा ऐसे समझ लो उसने धक्का दिया, धक्के से एक तरफ गिर गई, तो हम लेके पहुँचे मझगाँव ब्लाक में, मझगाँव ब्लाक वालों ने कह दिया इनके चोटें लग हुई, तो पहुँचे हम अलीगंज, वहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ मरे हुए का, डॉक्टर ये बोला ऐसा है कि बच्चा का जी जन्म हुआ इसकी चोट की वजह से, तो इसलिए हमें जी अपनी रिपोर्ट उस थानदार से हमें कोई दुश्मनी ना, हमारी आँखें धोखा नहीं खा सकती हैं, हम उसे पहचान लेंगे 1000 आदमी में, अब हम पढ़े लिखे तो थे। कौन सा थाना है? विशालगंज थाना। अच्छा, क्या नाम है उसका? दरोगा सोनू। अच्छा, फिर क्या वो? फिर उसके बाद जो बस वो चला गया, फिर हम अपने भाई को देखा, वो आध घंटे के बाद हमें खेतों पड़ हुआ मिला, पैर टूटे हुए। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम यही चाह रहे हैं, FIR चाह रहे हैं, कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं? तो कॉपी दो कटो ना, अभी इसमें यार एक मिनट अभी दे रहे हैं, कॉपी दोबारा भी दे रहे हैं भाई साहब, 3-4 कॉपी थी दे देती और दे रहे हैं। कॉपी आ रही? कॉपी आ रही।